उल्लासनगर शहर में आज 27 फरवरी के दिन कोरोना के नए 16 मामले सामने आए हैं। इसी के साथ शहर में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 11,829 पहुँच चुकी है। वहीं आज 6 लोगों को डिस्चार्ज दिया गया है। इसी के साथ अब तक कोरोना मुक्त हुए लोगों की संख्या 11,339 पहुँच चुकी है। वहीं कोरोना की वजह से अब तक 371 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस समय शहर में 119 मरीज एक्टिव हैं, जिनमें से कोविड केयर सेंटर में 15, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में 43, डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में 1, होम आइसोलेशन में 43 व उल्लास मनपा क्षेत्र के बाहर 17 लोगों का इलाज चल रहा है। आज जिन 16 मामलों की जानकारी हमें मिली है, उनमें कैंप नंबर 1 से 1 मामला शामिल है, जो बैरक नंबर 168 परिसर का बताया जा रहा है। वहीं कैंप नंबर 2 से 1 मामला सामने आया है, जो सीरू चौक परिसर का बताया जा रहा है। वहीं कैंप नंबर 3 से आज 7 मामले सामने आए हैं, जिसमें बाई सेक्शन परिसर से 1, चोपरा कोट परिसर से 1, गुरु नानक फर्नीचर परिसर से 1, क्रिटिकेयर हॉस्पिटल रोड परिसर से 1, राजू सोसाइटी अमनडाकिस रोड परिसर से 1 मामला है। वहीं कैंप नंबर 3 का 1 और मामला बताया जा रहा है। वहीं कैंप नंबर 4 से आज 7 मामले सामने आए हैं, जिसमें दीपक दरबार के पास परिसर से 1, कुरला कैंप परिसर से 1, वहीं कुरला कैंप परिसर का 1 और मामला बताया जा रहा है। वहीं महावीर हॉस्पिटल परिसर से 2, 32 सेक्शन परिसर से 1, आरजीएस स्कूल के पास परिसर से 1 व 1 मामला ब्राह्मणपाड़ा रोड परिसर का बताया जा रहा है। वहीं कैंप नंबर 5 से 1 भी मामला सामने नहीं आया। टाउन दर्शन इसी तरह से रोज़ आपको अपडेट देता रहेगा। ये अपडेट जानने के लिए जल्द से जल्द टाउन दर्शन न्यूज़ को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।